coming, sir. Welcome. Good afternoon, sir. Bye. थैंक यू सर. कंफर्टेबल हैं आप? यस सर. आप अपने बारे में बताइए. सर, मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही की, तत्पश्चात ग्रेजुएशन 2015 में फिजिक्स ऑनर्स से ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से किया. अभी मैं वर्तमान में सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर बिथान ब्लॉक में कार्यरत हूँ. इस एग्जाम में मेरा हिंदी साहित्य ऑप्शनल रहा है. मेरा हॉबी फिल्म देखना है, शॉर्ट मूवी. शॉर्ट फिल्म देखना है? यस. अच्छा अच्छा. ये शॉर्ट फिल्म क्या होता है मतलब? सर, एकेडमिक मोशन पिक्चर के अनुसार यदि 40 मिनट से कम समय में समग्रता में अपने भावनाओं को व्यक्त कर देना शॉर्ट फिल्म. अच्छा अच्छा. और जैसे आपने बोला कि 40 मिनट से कम है तो शॉर्ट फिल्म बोलते हैं. और भी कोई कैटेगराइजेशन है क्या इससे ज्यादा? यस सर, 40 मिनट से ज्यादा हो जाएगा तो वो फीचर फिल्म आ जाएगा. फीचर फिल्म आ जाएगा. और कौन कौन से फिल्म के अलग अलग कैटेगरीज हैं? सर, मुख्य रूप से इसी दोनों में विभक्त किया गया है, इसी का पार्ट है सर. तो अच्छा, फीचर फिल्म का क्या लेंथ होता है टाइम के हिसाब से? सर, 40 मिनट से ज्यादा एकेडमिक मोशन पिक्चर, चाहे वो 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा हो, वो भी फीचर फिल्म में ही आएगा. यस सर. उसका कोई नहीं सर. नहीं है. और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है शॉर्ट फिल्म का? मुख्य रूप से सर यह सत्य घटनाओं पर आधारित होती है. अच्छा. यस सर. अच्छा, डॉक्यूमेंट्री का तो बात नहीं कर रहे आप? सर, इसी के अंदर शॉर्ट मूवी और डॉक्यूमेंट्री दोनों में डिफरेंस है, डॉक्यूमेंट्री एंड शॉर्ट फिल्म में? यस सर. डॉक्यूमेंट्री सर मुख्य रूप से किसी का वास्तविक लाइफ को दर्शा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्री हो गया. और यदि शॉर्ट मूवी का किसी को वास्तविक लाइफ को काल्पनिक रूप से दर्शाना. वास्तविक लाइफ को काल्पनिक रूप से दर्शाना मतलब क्या हुआ? सर, जैसे किसी के कैरेक्टर को प्ले करना, वो शॉर्ट मूवी में आ गया. और किसी का वास्तविक जीवनी को दर्शाना मूवी में, वो डॉक्यूमेंट्री. एज इट इज अगर बता देते हैं वो डॉक्यूमेंट्री हो गया. यस सर. और किसी को एक्टर बना के उसी पर्सन का लाइफ को प्रोजेक्ट करना. यस सर. वो शॉर्ट फिल्म. अच्छा, किसी के थ्रू एक्टिंग होता है यहाँ पे. यस सर. अच्छा, तो ये आपने हाल फिलहाल में कौन से शॉर्ट फिल्म देखी है? सर, एक घर की मुर्गी देखे थे सर. क्या था उसमें थीम? सर, मुख्य थीम था सर, जो हम लोग घर की महिलाएं को खासकर कोई वैल्यू नहीं देते हैं उसके काम को. नहीं था थीम. क्यों नहीं देते हैं? सर, मुख्य रूप से सर उसका कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, इसलिए नहीं दे पाते. हाँ, क्वेश्चन ये है कि क्यों नहीं है? क्यों नहीं है सर? समझ में आ गया कि मॉनेटरी वैल्यू नहीं देते हैं. यस सर. सवाल ये है कि क्यों नहीं देते हैं? मॉनेटरी वैल्यू नहीं है. यस सर. ऐसा क्यों? सर, उसे हम अपना जिस प्रकार से समझते हैं, जो मेरे परिवार का सदस्य है, तो उसमें हम लोग मॉनेटरी वैल्यू देते नहीं है और उसको वैल्यू भी नहीं मिलता है उस तरह से. हम मतलब कौन? हम मतलब परिवार सर, परिवार के अन्य सदस्य. परिवार या मेल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी? खासकर मेल सेक्शन. मेल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. यस सर. तो आपको नहीं लगता है कि ये इसके 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 पीछे जो मेन रीजन है वो पैट्रियार्कल माइंडसेट है? यस सर, कहीं ना कहीं एक तो पैट्रियार्कल माइंडसेट है और एक इकोनॉमिक रीजन है इस पे. यस सर. ये जो आप बोल रहे हैं कि घर के जो महिलाएं हैं वो लोग जो काम करती हैं उसको हम वैल्यू नहीं देते, इसके पीछे एक इकोनॉमिक रीजन है. यस सर. क्या है? मुख्य रूप से यदि महिला सशक्त हो जाए स्वयं, तो यदि वो आर्थिक रूप से सशक्त हो जाए तो उनके कार्यों को महत्वता प्रदान की जाती है, ये देखा गया है सर. नहीं, आपको नहीं लगता कि जो भी काम काज महिलाएं करती हैं उसको क्वांटिफाई करना डिफिकल्ट है? यस सर. क्योंकि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, क्वांटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है. हाँ सर, उसको खास करके यदि देखा जाए तो मैंने एक और शॉर्ट फिल्म देखा था जिसमें वाइफ एंड जीडीपी करके था. तो कहा जाता है कि लगभग देश के जीडीपी का 4% यदि सैलरी दिया जाए तो वो महिलाओं को हो जाएगी जितना काम कर. इशू यही है कि क्वांटिफाई करना मुश्किल है, इसीलिए जीडीपी का पार्ट नहीं है. यस सर. मान लीजिए अगर आपको ये बोला जाए कि ये स्टैंड लिया गया इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से कि हमारा जीडीपी को बढ़ाना है. Yes, बढ़ाने का एक तरीका यह है कि वुमेन जो घर पे काम करती हैं
उन लोगों का काम का जो भी है उसको क्वांटिफाई करेंगे और उसको हम जीडीपी में काउंट करेंगे, तो ऑब्वियसली जीडीपी बढ़ जाएगा आपका। तो कौन सा तरीका आप अपनाएंगे, किस तरीके से आप पता लगाएंगे कि महिलाएं जो घर पे काम कर रही हैं वो कितना काम कर रही हैं, कितना वैल्यू होना चाहिए, कैसे पता लगाएंगे आप? सर यदि ऐसा करना ही पड़े तो मुख्य रूप से हम मार्केट में जो लेबर का कॉस्ट है उस बेसिस पर हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, आपने तो पर यूनिट कॉस्ट मार्केट से ले लिया आपने, यस सर, लेकिन कितना प्रोडक्शन है वो भी तो लेना पड़ेगा। प्रोडक्शन इनटू रेट इज इक्वल टू आपका वैल्यू होगा, यस सर। तो प्राइस तो आपने मार्केट से ले लिया, यस सर, मार्केट रेट वो ठीक है, लेकिन क्वांटिटी कैसे एसर्टेन करेंगे सर? घर में कितना खाना बन रहा है, कितना काम हो रहा है, ये मैं जानना चाह रहा हूं। सर ये ज्यादा मुश्किल होगा, बट घंटे के हिसाब से हम देख सकते हैं। घंटे के हिसाब से देख सकते हैं, बढ़िया। मतलब ये आप टाइम रेट के हिसाब से देखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, वेरी गुड। लेकिन मुकेश मुझे ये थोड़ा सा डाउट है, आप बताएंगे ये हो सकता है या नहीं, अगर ऐसा हम करते हैं तो फैमिली एज ए स्ट्रक्चर वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। यस सर, ये डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्योंकि सर एक रिश्ते की अहमियत हम फिर पैसे से तोलने लगते हैं उस जगह पर, पैसा। घर पे डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट वायलेंस भी हो सकता है। यस सर, हस्बैंड वाइफ के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू हो सकता है। लेकिन सर ये हस्बैंड को भी समझना पड़ेगा, जो जिस प्रकार से हम बाहर काम कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरे तरफ से है, अगर हम ऐसा करते हैं, मान लीजिए क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं, मुझे ऐसा लगता है मुकेश कि महिलाएं जो है पर्टिकुलरली द मदर्स दे विल ऑब्जेक्ट टू इट, उनके तरफ से ऑब्जेक्शन आएगा, क्योंकि अगर किसी भी माँ को आप जाके बोलेंगे कि आप अपने बच्चों के लिए जो भी खाना बनाया है वो इतना वैल्यू का है, इस वैल्यू का है, तो शायद वो ऑब्जेक्ट करेंगे, क्योंकि मदर्स लव इज इन्वॉल्व देयर, हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। यस सर, लगता है आपको ऐसा? यस सर, ये जरूर होगा, लेकिन यह हम आने ही नहीं दे। यदि हम सभी पुरुष समाज एक तरह से समझे कि उसका क्या अहमियत है, एक खाना बनाने का क्या अहमियत है, तो ये आएगा ही नहीं कभी। अच्छा ठीक है, शॉर्ट फिल्म, ये बताइए कि अभी हाल ही में एक भारतीय शॉर्ट फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला है। यस सर, कौन सा मूवी? द एलिफेंट विस्पर। क्या था ये मूवी? सर यह मुख्य रूप से हाथी और मानव के बीच संबंध को दर्शाता है। तमिलनाडु का मुदुमलाई रिजर्व में कटुनायरा समाज का जो बोमन और बेली है उसका हाथी के साथ संबंध को दर्शाता है। लेकिन जहां तक इस अवार्ड की बात है, इस अवार्ड के बाद उनको काफी लाइमलाइट मिला, लेकिन एक निगेटिव ये हुआ कि वो हाथी जो उनका था वो लेके चला गया जंगल में। यस सर, ऐसा हमने एक और केस में देखा था कि यूपी का एक केस था जिसमें वो सारस जो उसके साथ रहता था, उस आदमी के साथ जब लाइमलाइट में आया तो सारस लेके चला गया वन विभाग। तो हम, मेरा सवाल ये है कि हम कौन से डोमेस्टिक, कौन से एनिमल को अपने पास रख सकते हैं, किसको नहीं रख सकते हैं? सर जो एनिमल प्रोटेक्शन का लॉ कहता है उस बेसिस पर खासकर जो जंगली जीव हैं जो उन्हें नहीं रख सकते, हाथी रख सकते थे या नहीं रख सकते? सर उन्हें पालने के लिए दिया जाता था और उसके बाद प्रोटेक्शन के तहत उन्हें स्वतंत्र जंगल में छोड़ दिया। सारस को रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, ये कैसे, कौन सा लॉ डिसाइड करता है, क्या है एग्जिस्टिंग रेगुलेशन, कुछ बताएंगे? सर रेगुलेशन का एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है सर, सॉरी। अच्छा, आपने मानव और आदमी के संबंध की बात की है, प्राय देखने को मिलता है कि मैन एनिमल, ह्यूमन मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सबसे ज्यादा आजकल समस्या का विषय बना है। कभी आदमी शिकार होते हैं, कभी हाथी मरते हैं। तो इस जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको कम करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए? सर मुख्य रूप से मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है क्योंकि हम लोग उनके अधिकार जो क्षेत्र, एलिफेंट के कॉन्टेक्स्ट में बताइए, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एज ए होल नहीं, सिर्फ एलिफेंट के कॉन्टेक्स्ट में। सर मुख्य रूप से हम उनके जो मेन एरिया है, जैसे जिस एरिया से जाते हैं पानी पीने के लिए, जिस एरिया में वो रहते हैं उसका एक कहा जाता है कि फिक्स रूट होता है, उस रूट में हम रुकावट पैदा कर देते हैं, तो उस रूट को रुकावट नहीं पैदा करना चाहिए, और इसके लिए स्पेशल बनाया भी जा रहा है हाथी कॉरिडोर करके, मुख्य रूप से यही है सर।
और फसल जो हमारे बर्बाद करते हैं आके, उसके लिए क्या करेंगे सर? इसके लिए तो सरकार की तरफ से फेंसिंग शॉर्ट इलेक्ट्रिसिटी का दिया जाता है, इलेक्ट्रिक फेंस करेंगे शॉर्ट में सर, जिससे और खास करके एक सर प्रोजेक्ट है मधुमक्खी, मधुमक्खी का आवाज से हाथी डर जाता है तो उसको हटाया जाता है, पी लाइन का एक डिफेंस क्रिएट करेंगे। यस सर। लेकिन ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे हाथी ट्रेन से भी टकरा के मर रहे हैं। यस सर। उसके लिए क्या करेंगे? उसी के लिए सर लाया गया है ये बी का कॉन्सेप्ट, जिसमें ट्रेन आने से पहले बी का आवाज ये दिया जाता है, जिससे कि हाथी साइड हो जाते हैं ट्रैक से। फिजिक्स भी आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट रहा है, फिजिक्स में नोबेल प्राइज किनको मिला है? सर वर्तमान में इस बार अगस्टनी क्रॉस एवं सर सॉरी सर किस कार्य के लिए मिला है? सर ये इलेक्ट्रॉन का स्पीड को मापने के लिए सर, जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड ये माप लिए। हाँ देख सकते हैं उसको ये सर, अभी तक मुख्य रूप से एक्टो सेकेंड तक हम लोग काउंट नहीं कर सकते थे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एक्टो सेकेंड के स्पीड में मूव करता है, इसलिए उसको देख सकते हैं। इसके लिए तो इस कार्य के लिए उनको मिला है? यस सर। इस कार्य के लिए मिला है या इस कार्य जिस कार्य के लिए इनको मिला है उस कार्य का यूज करके हम ये काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का स्पीड डिटेक्ट कर सकते हैं या मोशन डिटेक्ट कर सकते हैं, दोनों में क्या है अंतर, समझ रहे हैं आप? हाँ सर। यस सर, ये एक्टो सेकेंड मात्रक दिया गया है कि आप माप सकते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर सपोज कीजिए कि हम पंखे का फोटो लेना चाहे, पंखा जो रोटेट करते तीन ब्लेड होता है उसमें, यस सर, जब वो चल रही होती है और हम अपने आंख से भी देखते हैं तो हमको तीन ब्लेड नहीं दिखाई देता है। यस सर। क्यों सर? वो शटर के स्पीड के कारण। नहीं, आंख में कौन सा शटर का स्पीड? सर मुख्य रूप से ये स्पीड हम लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है, मतलब पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा जो घूमने का ये स्पीड है उसको यदि स्लो कर दिया जाए तो देख सकते हैं, क्योंकि 1/10 सेकेंड हमारा आंख पर छवि बनता है, ठीक है, उतना देर तक प्रभाव, ठीक है। तो अब बताइए कि अगर हम पल्स लो पल्स वाला हम कोई लाइट जनरेट करें और उससे हम फोटोग्राफी करें तो क्या हमको इसका फोटो क्लियर आएगा? एक बार सॉरी सर रिपीट किया जाए क्वेश्चन। फिजिक्स में फोटोग्राफी का प्रिंसिपल तो जानते होंगे ना, तो अगर हम कोई शॉर्ट पल्स क्रिएट करें, जैसे आप एटो सेकंड बोल रहे हैं, मान लीजिए हम 1 to the power 10^-18 का एक पल्स जनरेट करें सेकंड का, यस सर, क्या वो फोटो खींच सकने सक्षम होगा? यस सर, यस सर। तो अब इस पल्स के लिए नोबेल प्राइज मिला है या उस स्पीड डिटेक्ट करने के लिए नोबेल प्राइज सर? इसी पल्स के लिए सर। मुकेश जी, यस सर, हिंदी साहित्य में क्या पढ़ते हैं आप? हिंदी साहित्य में सर हमारे भाषा एवं साहित्य, भाषा का इतिहास एवं साहित्य का इतिहास और उससे संबंधित रचनाएं हैं सर। बस इसके इतर कुछ साहित्य पढ़ते हैं आप? हिंदी साहित्य पढ़ा आपने वर्तमान समय में? यस सर, जितना जो सिलेबस था उसके इतर उसके मुझे समय नहीं मिला उतना, उससे इतर आपने नहीं? वर्तमान में जॉब में हूँ सर, उतना तो। हिंदी साहित्य लिया क्यों आपने? सर जॉब के साथ तैयारी करने के लिए मुझे ये बेहतर लगा, क्योंकि इसमें मेरे गाइडेंस उपलब्ध। अच्छा, तो सिलेबस में क्या क्या है आपके? सर भाषा के इतिहास में अवधि, ब्रज, भाषा का इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास है। यस सर। तो किसका किसका इतिहास पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास में, किसी किसी किताबें? सर हिंदी साहित्य का इतिहास में मुख्य रूप से आचार्य शुक्ल का। आचार्य शुक्ल मतलब? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इन दोनों का किसी एक खास यूनिवर्सिटी से नाता था? सॉरी सर नहीं यार। इन दोनों में परंपरावादी कौन है? सर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी परंपरावादी हैं। कंफर्म है आप? सॉरी सर। राम की शक्ति पूजा पढ़ी है? यस सर। निराला के राम का युद्ध किससे होता है?
सर यहाँ राम प्रतीकात्मक रूप में निराला जी लिए हैं, जिसमें तत्कालीन समय के यदि स्वतंत्रता, ये जो राम का प्रतीक है, यस सर, निराला जी ने कहाँ से उठाया? सॉरी सर याद अभी नहीं आ रहा है, लेकिन बंगाला रामायण का, बंगला रामायण यस सर। हाँ बताइए, आप क्या कह रहे थे राम का? राम सर प्रतीकात्मक रूप में देखा जाए तो गांधी जी हैं, या तत्कालीन सांस्कृतिक चेतना के जो है। राम का जो युद्ध है वो किसके साथ है? राम का जो द्वंद्व है वो किसके साथ है? द्वंद्व रावण के साथ है या किसके साथ? वो सर द्वंद्व स्वयं के साथ है सर। राम का द्वंद्व स्वयं के साथ है। कैसे सर? बार बार उसमें वो देख रहे हैं कि शक्ति मेरे तरफ नहीं है, अन्याय की तरफ है। ये अन्याय की तरफ कैसे, जब हम धर्मरत रहते हुए भी हैं, संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी अन्याय की तरफ कैसे है? और मुख्य तो सर, तो ये द्वंद्व कहां से पैदा हो रहा है उनके अंदर इस मामले में? जब सर युद्ध में राम गए और शक्ति रावण को अपनी गोद में लिए हुए है, और राम का पूरा जो प्रहार है सब व्यर्थ हो जा रहा है, तब उसे द्वंद्व पैदा हुई। ठीक है, ठीक है। योर परफॉर्मेंस इज वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव आंसर्ड, एंड कोई सच कोई विजिबल वो नहीं है कि आपको बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा। बॉडी लैंग्वेज ठीक है, कॉन्फिडेंट है, नॉलेज भी है, करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, और जितना हो सके आप अपना जो भी आपने लिया, जैसे सप्लाई इंस्पेक्टर का जो है, तो वो एरिया आप कवर कर लीजिए, है ना। सप्लाई इंस्पेक्टर से सर आएगा तो मुझे अच्छे से कवर आप कर लेंगे। हाँ सर, क्योंकि मैं अभी वर्क कर रहा हूँ तो उसमें ना, उससे कई बार रिलेटेड जैसे पीडीएस सिस्टम, फूड सिक्योरिटी एक्ट, यस सर, वो कवर्ड है पूरा सर। बहुत बढ़िया, मुझे कोई इशू नहीं। फिर तो अच्छा हुआ कि हम लोगों ने नहीं पूछा। हाँ सर, ठीक, वो एरिया आपका है कवर। हाँ सर, वो कोई ये एरिया तो आपने, हमने देख ही लिया कि आपका भी ठीक है, इसमें जितना होना चाहिए उतना नॉलेज है, बस ठीक है, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक हमारे साइड से। थैंक यू सर। ठीक है।